अहमदनगर जिले के गांव मशहूर है आसमान छूते पहाड़ों के लिए, हजारों एकड़ में फैले खेतों के लिए और उनमें पनपने वाले तेंदुओं के लिए। एक काफी बड़ा और वयस्क लेपर्ड है जो इस रास्ते से होते हुए चला गया है वहां पर, और हम लोग भी शूटिंग कर रहे थे वही कहीं पर। आज मैं आया हूँ धांधरफल नाम के गाँव में और यहाँ मैं मुलाकात करूंगा अपने अजीज दोस्त से। ये है विलास, एक बेहतरीन रेस्क्यूअर जो कई दशकों से मुसीबत में फंसे जंगली जानवरों को रेस्क्यू और रिलोकेट करने के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं। आज मैं विलास के साथ एक नदी किनारे के बियाबान में आया हूँ और यहाँ हम उन सांपों को रिलीज करेंगे जिन्हें विलास ने रेस्क्यू किया था। ऑलराइट, तो हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, एक बहुत ही अच्छा परिवेश है जहाँ पर रिलीज करने वाले है इस सांप को। तो ये कौन सा सांप है यहाँ पर? ये हमारे मराठी में इसको धामन बोलते हैं। ठीक है, तो ये है इंडियन रैट स्नेक जिसे रेस्क्यू किया गया था, और आप देख सकते हैं ये काफी बड़ा है, बड़ा बिग साइज का। इस बैग को हटा देता हूँ यहाँ पर, ये धामन। और ये देखिए इंडियन रैट स्नेक काफी मजबूत है, हट्टा कट्टा है और भागने के लिए तत्पर। और मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पर जूम करके दिखाएं किस तरह से इस सांप ने अपनी पूंछ से मुझे मेरे इस हाथ को लिपट कर रखा है और ये छोड़ चुका है अब। तो इसका मतलब ये होता है कि ये सांप असुरक्षित महसूस कर रहा है, उसे लगता है कि कहीं मैं गिर ना जाऊँ, इसीलिए अपनी पूंछ से मुझे लिपट कर एक सहारा लेने की कोशिश यहाँ पर कर रहा है। और कई मर्तबा लोग जो है सोचते हैं कि रैट स्नेक की पूंछ के अंदर एक नुकीला जहरीला कांटा होता है जो अगर आपके हाथ में या त्वचा पर चुभ जाए तो फिर वो बॉडी पार्ट जो है वो खराब हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ नहीं, ये सब सिर्फ अंधश्रद्धा और अंधविश्वास की बातें हैं। तो मेरे ख्याल से इस सांप को हम यहाँ पर रिलीज कर देंगे। रिलीज करेंगे, तो चलिए इस सांप को हम यहाँ पर आज़ाद करते हैं। ऐसे सांप खेतों के लिए अच्छी अलामत होते हैं, लेकिन आजकल खेत ऐसे सांपों के लिए जहन्नुम साबित हो रहे हैं। और ये मैंने कल सुबह ही देखा था जब एक खेत में चहलकदमी करते वक्त मेरी नजर पड़ी खेत तालाब में गिरे एक कोबरा पर। हर साल लाखों सांपों की इस तरह के खेत तालाबों में गिरने से मौत होती है। बहरहाल इस कोबरा का फूला शरीर और उड़ा रंग शाहिद है कि ये कई दिनों से इसमें गिरा था। अलबत्ता मैंने इस मृत कोबरा को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन तभी मुझे लगा था ये मर गया, लेकिन ये तो जिंदा है। आप देख रहे हैं इसे, वाह, ये काफी बुरी हालत में है। आपने इसे इस तरह से निकालना थोड़ा ज्यादा जोखिम भरा होगा, इसलिए अब मैं लकड़ी का इस्तेमाल करूंगा इसे यहाँ से निकालने के लिए, क्योंकि ये गुस्से में आ चुका है और मुझे काट सकता है। और एक छोटा स्पेक्टेकल कोबरा अगर मुझे काट ले तो काफी बड़ी मात्रा में ये जहर छोड़ेगा, इसीलिए मैं अब स्टिक की मदद से इसे बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ। थोड़े दिनों के बाद इस सांप ने यहाँ पर सुकून भरी सांस ली होगी। ये काफी बुरी हालत में है क्योंकि ये पानी में था काफी लंबे समय से, तो मैं थोड़ी देर के लिए इसे बाहर रखूंगा, देखेंगे कि ये फिट है कि नहीं। और अगर ये फिट है तो हम वहाँ पर जो पहाड़ आपको दिख रहे हैं वहाँ जाकर के इस सांप को रिलीज करने की कोशिश करेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि दोबारा ये इस तरह के खेत तालाब में फंस कर अपनी जान न गंवा दें। काफ़ी खुशकिस्मत है हम लोग, तो बस ऐसे ही देखने के लिए आए थे और एक स्पेक्टेकल को दिखाई दिया है।